ये कौन सा सच है, ये कौन सी राजनीति है कि प्रमोद कृष्णम को लगता है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया। इस देश में पक्ष और विपक्ष में पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा है। क्या राहुल गांधी उन शर्तों पर खड़ा नहीं उतरते हैं जिनकी बात आप कहते हैं? लेकिन राहुल गांधी जी को समझने में भूल हो गई। इंसान बेहतरीन है, देश में ख्याति है, बहुत अच्छे राजनेता हैं, बस प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, वो तो प्रियंका जी को बनना चाहिए। मैंने अपनी बात को बड़े साफ दिल से रखा है, आप उसको बड़ी चतुराई से मोड़ना चाहते हैं। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन होना चाहिए अगर कांग्रेस सरकार आती है तो? निसंदेह सचिन पायलट होंगे। आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। पक्का? होना भी नहीं चाहिए। बड़े चाणक्य शरद पवार थे, क्योंकि उनको भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, या उनके भतीजे अजीत पवार? देखिए यशवंत जी, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, भतीजों पे भरोसा करना भारी भूल सिद्ध है। शरद पवार जी ने जब अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था तो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि वो दोबारा पार्टी के अध्यक्ष बने। उस वक्त उन्हें अपना फैसला वापस नहीं लेना चाहिए था। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आपको इसकी कोई गुंजाइश दिखती है? उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल यह निशान है। आचार्य जी एक बात बताइए, अब तो चुनाव सामने है 2024 की, आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिहाज से 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पास कितनी सीट है? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ती है, असली चुनाव वो होगा।